मध्य प्रदेश के विदिशा में 68वीं शालेय टैकांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 14 से 17 साल के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला आज से शुरू हो रहा है। लेकिन यहां रहने और खाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उससे खिलाड़ी असंतुष्ट हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि टॉयलेट साफ नहीं है, वहां से बदबू आ रही है, यहां तक कि खाने में मरे हुए कीड़े मिल रहे हैं। बच्चों के पालक भी इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। पालकों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिहाज से यहां कुछ भी सही नहीं है। भोपाल से खेलों की व्यवस्था देखने आए सहायक संचालक ने भी भोजन को देखकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने उपयोग में लाए जा रहे चावल को हटाकर बासमती चावल ही उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य आयोजक राम कुमार ठाकुर का कहना है कि सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया गया था, शौचालय की साफ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। खाने में जो कीड़ा था ऐसे, हाँ, और वॉशरूम जो है, हाँ, बहुत ही अच्छा नहीं है, हाँ, जिधर भी वॉशरूम को हम जाते हैं बहुत गंदा है, पूरा ऊपर आया हुआ स्मेल के कारण जाने को नहीं होता। अच्छा, इससे हमको ना प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत देर तक रहना पड़ता। अभी अंदर पानी की सुविधा नहीं है, हाँ, और नहीं इतनी गंदगी है, बता नहीं सकते, देख के चक्कर आ रहे थे। अच्छा, उसे नॉशियस फील हो रहा था, उल्टी की फीलिंग आ रही थी। अच्छा अच्छा, फूड विभाग की टीम सबसे पहले भोजन का निरीक्षण कर रही है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम संज्ञान लेते हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको निराकरण करेंगे, दूर करेंगे।